नमस्कार, स्वागत है अर्बन अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। जहां केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर कई कदम उठा रही है, तो वहीं सिद्धार्थनगर में शिक्षा की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा। नौगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत चलने वाला एक पूर्व माध्यमिक स्कूल वर्तमान सत्र में खोला ही नहीं गया। इससे इस स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 55 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की उदासीनता के चलते इस स्कूल में किसी अध्यापक को नियुक्त नहीं किया गया। अब इंतजार है गाँव के बच्चों को इस स्कूल के खुलने का, जिससे वो फिर से इस स्कूल में पढ़ सके। वहीं जब इस मामले में डीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीएसएस से रिपोर्ट मांगी गई है, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ ब्लॉक का एक ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर बीते 6 महीनों से कक्षाएं संचालित नहीं हुई हैं। यह विद्यालय अप्रैल माह तक लगातार चलता था। अप्रैल माह में नए सत्र के एडमिशन्स भी हुए, लेकिन जुलाई माह में इसे खोला नहीं गया। यहाँ पर जो अध्यापक नियुक्त थे उन्हें किसी अन्य कारण की वजह से जेल जाना पड़ा, उसके बाद से विद्यालय अभी तक नहीं खुला। अब सोचने की बात है कि आखिर इस गांव में जितने भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे उन्हें मजबूरी में यहां से 3 किलोमीटर दूर के एक विद्यालय में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज स्थिति यह है कि यहां के बच्चे इस दूरी की वजह से इतनी दूर प्रायः नहीं जाते हैं और उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी हैं या जो भी आला अधिकारी हैं उन्होंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे विद्यालय खुले और यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। अनिल तिवारी, लाइव टुडे, सिद्धार्थनगर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत किसी को भी शौचालय के लिए बाहर न जाना पड़े, इसको लेकर सिर्फ पैसे खर्च कर शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रयास भी हो रहे हैं। इसके बाद भी बदहाल पड़े शौचालय मिशन की सफलता पर ग्रहण लगा रहे हैं। कालीन नगरी भदोही के नगरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान की अनदेखी हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वच्छता से ही स्वस्थ रहा जा सकता है, इसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना का संचालन कर न सिर्फ शौचालयों के निर्माण और उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि प्रत्येक परिवार को शौचालय मुहैया करवाने के लिए भारी भरकम अनुदान राशि भी दी जा रही है। लेकिन सरकार के सारे मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। काली नगरी भदोही के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान की अनदेखी हो रही है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज क्षेत्र में शौचालयों की बदहाली के चलते गंदगी का साम्राज्य कायम हो गया है। शौचालयों की बदहाली से लोगों को खेतों में जाने को विवश होना पड़ रहा है। शौचालय स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर सवालिया निशान खड़ा करते दिख रहे हैं। भदोही जिले के कुल 7 नगर पालिका और पंचायतों में सबसे नरकीय स्थिति गोपीगंज नगर के मोहल्लों की है। बहुत महत्वपूर्ण जाने रहा है, कतिपय लोगों के वजह से जो है ये नहीं बन पाया, इसमें नहीं उलझाए रहे, लेकिन अब इसका निर्णय हो चुका है और इसका टेंडर भी हो चुका है, जल्द बनने वाला है। लेकिन हमें लग रहा है कुछ लोग आओ इसमें पूरा बात करेंगे, जनहित की भावनाओं से खेल खेल रहे हैं, हम उन्हें आगाह करना चाहते हैं ऐसा न करें और कई वार्डों में रेडीमेड शौचालय रख दिए गए हैं, लेकिन उसमें गंदगी और कचरा भरा है, जबकि ज्ञानपुर रोड चौराहे के समीप पुराने शौचालय को तोड़ दिया गया है।
इससे लोग खुले में शौच को विवश हैं। नगर पालिका की ओर से सार्थक प्रयास नहीं होने से स्थिति नारकीय हो गई है। भदोही में स्वच्छता अभियान है और आए दिन लोगों में दुर्घटना का डर बना रहता है। खतरा सब बना रहता है, पर इससे ये जो है यहाँ जो इस टाइम यहाँ के जो मंत्री हैं उनको ये देखना चाहिए। हर पुल पे तो ग्रिल लग गई है, पर यहाँ थोड़ी और इसकी सुरक्षा और करनी चाहिए। असल में इसमें गाड़ियाँ भी निकलती हैं और रात में ट्रक व्रक भी निकलते हैं, लौट गाड़ी निकलती है। अगर बाई चांस कोई हादसा हो जाए तो ये यहाँ के मंत्री को ही, हमारा यही कहना है कि कोई बात ना हो और इन्हें देख के बनवा दिया जाए। यहाँ के कई लोगों ने अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से आंख बंद किए हुए हैं और लग रहा है कि किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। इस पुल का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने किया था और नगर पालिका और मंडी परिषद ने भी मदद की थी। वहीं जब इस सड़क के बारे में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से पूछा गया तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। और कहा कि मंडी परिषद सड़क के नीचे नाला निर्माण कराएगा, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करेगा। देखिए, वो जो पुल बना हुआ है वो पीडब्ल्यूडी ने बनवाया था और उसके साथ ही जो है नगरपालिका सीतापुर और मंडी परिषद, इनकी भी उसमें सहभागिता है। मंडी परिषद का एक बड़ा सा पाइप लाइन उसके नीचे से गुजर रहा है। जब ये बातें आई तो उसमें विभाग कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में तीनों नगर पालिका, मंडी परिषद और पीडब्ल्यूडी तीनों को बुला करके और इस समस्या का समाधान कराया गया। उसमें यह तय हुआ कि जो पुल के नीचे से अप्रोच के नीचे से जो पाइप जा रहा है वो मंडी परिषद का है, तो मंडी परिषद वो टूट गया है, अब उससे पानी लीकेज हो रहा है, तो इसलिए उसको मंडी परिषद ठीक कराएगा और साथ ही साथ जो पुल में जो दोष आया है या मिट्टी किनारे से बही है वो पीडब्ल्यूडी कराएगी। तो दोनों ने अपना अपना प्रस्ताव बना करके और वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा है और बहुत जल्दी दोनों की स्वीकृति होने वाली है। और जो पुल है जो उसका अप्रोच खराब हो रहा है वो भी ठीक होगा और साथ ही साथ पूरे पुल का मॉडिफिकेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि सड़क का टेंडर 35 लाख रुपए में स्वीकृत हो चुका है, लेकिन टेंडर हुए एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी मंडी परिषद के कार्य शुरू न होने के चलते सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। जिसको लेकर लोगों में प्रशासन के प्रति रोष है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के कैची पुल पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये पुल जो है लगातार जो है उनके पास जो सड़क है वो लगातार धसती चली जा रही है। पानी की नालियों को पानी के चलते यहाँ पर जो है ये सड़क लगातार धसती जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे लाखों लोग इस पुल से गुजरते हैं, आवागमन रहता है, लोग यहाँ से निकलते हैं। पूरे शहर का जो मेन मुख्य मार्ग है वो यही मार्ग है, इस पर से लाखों लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और उनको जो है हमेशा लगातार जो है जान का खतरा रहता है। और हमारे पीछे जिम्मेदार हैं इस विभाग के अधिकारी, उन्होंने जो सिर्फ लगाकर अपने कर्तव्य को
कर दी है, लेकिन बैरिकेडिंग से सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है यहाँ पर जो जाम लग जाता है बैरिकेडिंग की वजह से, लेकिन इस पुल का जो है अभी तक निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है, लगातार जो है सड़क बैठती चली जा रही है। प्रशासन एक बहुत बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के कुंभीचौड़ गांव के कई घरों में दूषित पानी आ रहा है, जिससे ग्रामीणों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसको लेकर लोगों ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा और समस्या से निजात दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से नलों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। साफ पानी लाने के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एलसी रमोला ने ग्रामीणों को जल्द ही समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। परिषदी स्कूलों में चूल्हे पर भोजन बनाए जाने पर शासन ने रोक लगा रखी है। इसके बाद भी फर्रुखाबाद के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम स्कूलों में आज भी मिट्टी के चूल्हे पर मिड डे मील बन रहा है। आपको बता दें कि शासन की तरफ से प्रत्येक विद्यालय में गैस सिलेंडर और चूल्हा खरीदने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद अधिकांश स्कूलों ने गैस सिलेंडर और चूल्हा खरीद लिया, लेकिन गैस सिलेंडर से मिड डे मील बनाने की योजना में अध्यापकों ने सेंधमारी कर दी। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर सिलेंडर अभी भरवाया नहीं जा रहा, इस कारण स्कूलों में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। करीब एक महीने पहले मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही सभी बीईओ को पत्र भेजकर निर्देश दिए थे कि अगर किसी भी स्कूल में चूल्हे पर मिड डे मील बनता है तो संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ ही बीएसए और बीईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी स्कूलों में चूल्हे पर मिड डे मील बनाया जा रहा है। जौनपुर में जिला प्रशासन द्वारा नवंबर माह से विरासत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 31 जनवरी तक 3,442 गांवों में कुल 15,665 मृतक के नाम दर्ज किए गए हैं, जिनके 44,914 वारिसों के नाम विरासत दर्ज हुए। खतौनी उनके घर तक पहुंचाई जा चुकी है। इस मौके पर डीएम द्वारा सदर तहसील के 15 मृतकों के वारिसों को खतौनी दी गई। डीएम दिनेश कुमार सिंह द्वारा जिले में चलाए जा रहे विरासत अभियान के संबंध में खास बात की हमारे संवाददाता ने। जौनपुर में वारासत दर्ज कराने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा एक अभियान के तहत 45,000 करीब लोगों का वारासत दर्ज कर लिया है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए डीएम साहब मौजूद है। सर, ये वारासत का अभियान चलाया जा रहा है, लगभग कितने लोगों का अभी दर्ज कर लिया गया और कितने लोग अभी बचे हुए हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है और निर्देश भी हम लोगों के लिए है कि किसी गरीब को कठिनाई ना हो, उसके कार्य सरलतापूर्वक हों और बिना किसी परेशानी के हों। उसी क्रम में हमने जब यहाँ पर कार्यभार 16 अक्टूबर को ग्रहण किया तो लोगों की कुछ शिकायतें ये थी कि बहुत दिन हो गए मरे हुए लोगों को, लेकिन उनके वारिसों के नाम खतौनी पे नहीं चढ़े हैं और उन्हें कठिनाई हो रही, तो उसको लेकर एक अभियान चलाया। सभी लेखपालों को गाँव में भेजा, कहा खतौनी पढ़ करके सुना दें और खतौनी में जो लोग मृतक पाए जाए उनके वारिसों की जाँच करके कंप्यूटर पर चढ़ा के खतौनी बना के उनके घरों में दे दें। माननीय विधायकों के, माननीय मंत्री जी के, माननीय सांसद जी के कर कमलों से हर ब्लॉक पर शिविर लगा करके खतौनी का वितरण हमने नाम चढ़ाने के बाद कर दिया। पिछले 2.5 महीने में हमने 45,000 लोगों का नाम खतौनी में दर्ज किया है और केवल नाम ही दर्ज नहीं किया है, वो नाम दर्ज करने के बाद खतौनी का प्रिंट निकाल करके लोगों के घरों में उनके हाथों तक पहुँचाया, तो ये काम हमने कर दिया है। और कोई अगर बच्चा होगा तो उसके लिए भी तैयार बैठे, कहीं से कोई और बात कहेगा तो हम उसे करेंगे। सर, क्या वजह रही है इतने दिनों से 5-5 साल मृत होने के बाद भी नाम नहीं दर्ज किया गया? सर, आपके सामने भी कई ऐसे लोग हैं जो मृत हैं, उनका अभी तक नाम नहीं दर्ज किया गया, जो मौत है वो बहुत पहले हो चुकी थी। आपने देखा कि अभी जिनको खतौनी दी है उनमें 5 साल 6 साल 7 साल कहीं 13 साल ऐसे लोग हैं, लापरवाही जहाँ पर हुई है उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई भी की। उचौरा गाँव में गया था, उचौरा गाँव में जब पूछा। अर्बन अपडेट में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।